माननीय गिरीश पांडे जी के संगठन से प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे जी मंचासीन और मीडिया को अपनी बात देते हुए अपनी बात मोदी सरकार तक पहुंचाते हुए, मैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की, मैं प्रदेश महामंत्री, मैं सभी बहनों को अवगत कराना चाह रही हूं कि जो आज हमारा 4 अक्टूबर में जो हमारा जंतर मंतर में हमारा आंदोलन हो रहा है, सारे राज्य के लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। मैं भारत सरकार को दिखाना चाह रही हूँ कि हम किसी से कम नहीं है। हमारी मांगे जो है एक है, हमारा मुद्दा एक है। हम आंगनबाड़ी बहने हम राज कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। हम अपने रिटायरमेंट बहनों के लिए भी ग्रेजुएटी और पेंशन मांग रहे हैं, जो एक मुस्त रकम 5 लाख होगा ग्रेजुएटी हमारी, और हम अपनी प्राइमरी में उनको सहायक टीचर का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, जो हमारी ग्रेजुएशन हमारी ग्रेजर के पहले हमारी होंगी। मेरा एक ही मुद्दा है, भारत सरकार से हमारी लड़ाई है, जंतर मंतर में आज हमारा आंदोलन है। अपनी बहनों को हम सबको मैसेज देना चाहें कि मेरे साथ सभी बहनें देश शामिल होकर के, और हमारी मुजफ्फरनगर की बहनें, हमारी खिसरा प्रजापति, हमारी जिला अध्यक्ष हमारे साथ है। मैं अपनी बहन को धन्यवाद देती हूँ, सबको धन्यवाद। मुजफ्फरनगर की बहनें जो आई हैं, सैकड़ों बहनें आज इस प्रांगण में जंतर मंतर पर, मैं मंच से उनका धन्यवाद करती हूँ।